लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पहली बार हरकत में है। पार्टी की कोर कमेटी भंग कर दी गई है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल जल्द ही राज्य प्रभारियों की एक बैठक बुलाएंगे, इसमें आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नामी शराब कारोबारी और बिल्डर पोटी चड्डा के बेटे मोंटी उर्फ मनप्रीत सिंह चड्डा को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 2018 में 100 करोड़ से ज़्यादा की ठगी के आरोप में केस दर्ज किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को रायबरेली में पोस्ट पोल रैली के दौरान लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। प्रियंका ने अपने भाषण के दौरान कहा, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि सोनिया गांधी की रायबरेली सीट पर जीत पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं बल्कि मतदाताओं के प्रयास की वजह से हुई। दिल्ली की आप सरकार ने बुधवार को ऑटो किराया में वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी की। इससे मौजूद किराए दरों में 18.75% वृद्धि होगी। अगले कुछ महीने में हमने विधानसभा चुनाव से पहले ये कदम उठाया गया है। इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले 90,000 ऑटो रिक्शा मालिकों और चालकों को लाभ होगा। भारत ने मुंबई स्थित कट्टरपंथी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यार्पण के लिए मलेशिया से एक औपचारिक अनुरोध किया है। नाइक भारत ने धन शोधन और घृणास्पद भाषण देने के लिए वांछित है। बांग्लादेश में 2016 में हुए एक आतंकी हमले के बाद उसके खिलाफ यहां दाखिल किए गए मामलों के बाद से वह फरार है। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत अर्जी को बुधवार को खारिज कर दिया है। ये चौथी बार है जब नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। हीरा कारोबारी का प्रयास ये है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत को ना सौंपा जाए। चक्रवाती तूफान वायु ने रात भर में अपना रास्ता बदल लिया है। हालांकि नौसेना ने खुद को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में तेज हवाएं चल सकती हैं, वहीं अगले 24-48 घंटे समुद्र भी उग्र रह सकता है। अभ्यास मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो चुका है और वहां उसे हार मिली थी। अभ्यास मैच में कीवी टीम के सामने भारत की बल्लेबाजी ढह गई थी। इस मैच में भारतीय टीम अपनी उस हार को ध्यान में रखकर सतर्क रहते हुए उतरेगी। भारत का सतर्क रहना जरूरी भी है क्योंकि इस मैच में उसके प्रमुख बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन नहीं होंगे। भारत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत का बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी भरा सफर जारी है। हालांकि अली अब्बास जफर की फिल्म भारत के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा, वादा पूरा किया गया। बिहार के जिन किसानों का लोन बकाया था उनमें से 2100 किसान को चुना गया। वन टाइम सेटलमेंट के साथ उनके लोन को चुकाया गया।